थोड़ा डिफिकल्ट हो गया लोगों को भी समझाना कि इन्फ्लुएंसर क्या है और एक्टर क्या है. यू नो वाज अ बिग, मतलब मैं क्या कहूँ, ही वाज ऑलवेज माय बैकबोन आप कह सकते हो. देन संदीप सिकंद, व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, ही आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट वो मेरे लिए क्या है. ही इज बीन देयर फॉर मी. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला. दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त. एंड आज हमारे साथ है अदा, जिनकी हर एक मुस्कुराहट के लिए आपका दिल तो धड़कता ही है. सो अदा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, थैंक यू अंबिका, बहुत बहुत अच्छी हूँ. क्या चल रहा है इन दिनों? मेरा वेल, अभी फिलहाल आई वाज ऑन अ यू नो द ब्रेक एंड आई वाज वर्किंग ऑन माय सेल्फ. एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रही थी एंड स्टफ लाइक दैट. और ना ना इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 में आपने डेब्यू किया था एंड इतने साल आपने दिए हैं इंडस्ट्री में. बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया कि आप बहुत सिलेक्टिव होते हो कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में. मतलब क्यों ऐसा, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है प्रोजेक्ट्स को लेकर? वेल, मैं जिस रोल से, कैरेक्टर से कनेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि यस, दिस इज़ मी एंड आई कैन पोर्ट्रे इट 100%, तो मैं वो करती हूँ. जैसे अगर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ तो आई फील कि जिस चीज़ को मैं 100% नहीं कर सकूँ, आई मीन फिर ऑडियंस भी खुश नहीं होगी, मैं भी खुश नहीं होगी. सो इट्स बेटर दैट आई जो कैरेक्टर मुझे मिलता है मैं उसको एक अलग लेवल पे ले जाऊं, इम्प्रोवाइज करके उससे जीऊं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर. ऑल्सो अदा, कई बार ऐसा देखा गया ना, आप इंडस्ट्री में तो कई सालों से होते हो, बट अगर आपको, मतलब कुछ एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्हें जब बॉलीवुड में जब ब्रेक मिल जाता है ना, उसके बाद अगर उन्हें टीवी एक्टर कहा जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाते हैं उसकी वजह से. तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आने वाले टाइम में अदा भी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्क्रीनों पर दिखेंगी, क्या वो टीवी एक्ट्रेस कहलाने पर कतराएंगी? यार, जो हमारा कहते हैं ना, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है उसे कभी मत भूलो. आई थिंक फॉर मी दिस इज होम, यू नो, एंड यहीं पर हम बने हैं. सो आई डोंट थिंक इट इज डिग्रेडिंग, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में. सो आई डोंट नो, आई मीन पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस दैट टीवी डिग्रेडिंग एंड ऑल दैट जैज़, बट आई थिंक इट्स अ मीडियम विच इज़ अ वेरी बिग मीडियम. एंड आई थिंक टीवी एक ऐसा मीडियम है जो हर घर में जाता है, और आप कहीं भी कोने कोने में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, एवरी वन वॉचेस टीवी एंड एवरी वन वॉचेस टीवी शोज. सो इट्स नथिंग डिग्रेडिंग. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ बींग अ टीवी एक्टर. एंड इन केस इफ आई गो टू OTT और एनी अदर प्लेटफॉर्म, टीवी विल ऑलवेज बी माई लाइक बर्थ प्लेस, आई कैन से, यू नो, जहाँ इतने साल हमने गुजारे हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग डिग्रेडिंग अबाउट इट. ऑल्सो अगर मैं पहले की बात करूँ, आज तो आपने जो पोजीशन हासिल कर लिया है वो करने के लिए कितने लोग आज भी तड़प रहे हैं कि इस पोजीशन पे आए, इतना नाम कमाए. इसमें आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, क्या अदा ने कभी सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूंगी, एंड सपने क्या थे आपके? वेल, ऑनेस्टली आई वॉज स्पॉटेड एट अ रेस्टोरेंट इन बांद्रा. मैंने कभी नहीं सोचा था दैट यू नो आई हैव टू डू एक्टिंग और समथिंग, बिकॉज मुझे लाइक आई हैड डन मेजर्स इन साइकोलॉजी, तो मुझे उसी फील्ड में जाना था. बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स, और मुझे फिर कार्ट रोड पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आई गॉट स्पॉटेड और मुझे अपना पहला प्रिंट एड मिला वहाँ पर. उसके बाद कमर्शल्स किए एंड देन दैट्स हाउ मुझे ब्रेक मिला. सो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, ना ही कोई ट्रेनिंग ली थी. अब जाके आई एम गोइंग फॉर दीज एक्टिंग वर्कशॉप्स एंड ऑल दिस एंड यू नो जस्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड लर्निंग मोर अबाउट इट. या सो दिस इज इट. ओके. अच्छा, आपको याद है, क्योंकि पहली चीज़ स्पेशल होती है ऐसा कहा जाता है, मैंने भी यही सुना है आज तक, पहली सैलरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. आपने क्या लिया था, अपने लिए या खुद के लिए, आपकी फर्स्ट सैलरी से? मैंने अपने मॉम को दे दिया था, वो चेक ही मैंने अपने मॉम के हाथ में रख दिया था. That's what I did with my first salary. नंबर्स क्या थे? नंबर्स नहीं बताने मुझे. बट मम्मी का क्या रिएक्शन था She जब was आपने? very happy. She was so happy. And she was really happy because she always wanted me to be independent, always. And with my first check, and I gave it to her, and she was dancing with joy.
या ऑल्सो इस इंडस्ट्री में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आइदर वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो. आपने कभी ऐसा हुआ है, मतलब जो नए अगर आते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट जिनको नहीं नॉलेज है, वो लोग कई बार ना कास्टिंग काउच का भी शिकार हो जाते हैं, कभी आपके तरफ कभी कुछ ऐसा आया इनडायरेक्टली, किसी ने आपको अप्रोच किया कभी कि आप ऑडिशन दे दो, डायरेक्ट आपको काम मिल जाएगा, ऑडिशन नहीं देना है, ऐसा कुछ? थैंक गॉड, मतलब आई वुड जस्ट से दैट आई हैव नेवर फेस समथिंग लाइक दैट. अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड नाइस. एंड मेरे साथ मतलब ऐसे लोग भी जुड़ गए थे ना इंडस्ट्री में, हु आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, हु यूज़ टू गाइड मी एंड टेल मी दैट व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ नॉट गुड. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एसोसिएटेड विद सम राइट पीपल अराउंड मी हु आर देयर एज अ गाइडिंग फोर्स व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सबसे अच्छा गाइडेंस आपको मतलब किसके थ्रू मिला आज तक, एंड इंडस्ट्री का ही कोई ऐसा, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिलेशन आप मतलब जो भी हो एक्स वाई जेड उनके साथ आप शेयर करेंगे? वेल एज अ गाइड एज अ मेंटोर आई वुड से राजन सर वाज अ बिग, मतलब मैं क्या कहूँ, ही वाज ऑलवेज माय बैकबोन आप कह सकते हो. देन संदीप सिकंद अगेन माय मेंटोर गाइड, ऑलवेज गाइडिंग मी एंड ऑलवेज टेलिंग मी क्या करना है क्या नहीं करना है, यू नो. एंड सुधा जी इन नागिन अगेन शी बिकेम लाइक अ मदर फिगर फॉर मी. सो एज आई सेड देयर वाज ऑलवेज पीपल, गॉड सेंट एंजल्स जो मेरी हमेशा हर जगह मदद कर रहे थे. उनसे पहले जब माई मॉम वॉज देयर, सो शी वॉज ऑलवेज विथ मी. इफ आई वॉज गोइंग ऑन शूट्स और वट एवर, शी वॉज ऑलवेज देयर विथ मी. आफ्टर माई मॉम देन आई हैड एवरी वन इन द इंडस्ट्री हेल्पिंग मी. तो या आई वॉज लकी. ऐसी सेट की अदा राजन सर जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे मेंटोर साबित हुए, बट उनको लेकर और भी कई बातें चलती हैं. आपने खुद आर्टिकल्स पढ़े होंगे, देखे होंगे कि राजन सर जब सेट पर जाते थे तो वो चाहते कि मतलब एक्ट्रेस आके उनके पैर छुए, मतलब एक होता है ना किसी को देखते, तो कभी आई आपने ये डोंट सब नो बातें क्या होती है, बट विथ मी राजन सर हैज़ बिन लाइक अ फादर एंड ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड प्रोटेक्टेड मी लाइक हिज ओन डॉटर. एंड इवन टुडे ही इज ऑलवेज मैसेजिंग, यू नो, हैप्पी डॉटर्स डे, आई मैसेज हिम हैप्पी फादर. ही हैज़ बिन एंड स्टूड बाई मी व्हेन माई मॉम पास्ड अवे. ही आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट वो मेरे लिए क्या है. ही इज बिन देयर फॉर मी ऑलवेज इन ऑल माई लोज. That person has stood by me like a pillar, and I don't know what people are saying, but for me, he is a gem. ऑल्सो क्या आपको लगता है ऐसा कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स के जो भी थे, मतलब जिन लोगों ने इतना अपना टाइम दिया, इतना स्ट्रगल किए, हार्डवर्क किया जिन्होंने, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वो उनके काम पर उसका इफेक्ट हो रहा है, डू यू थिंक ऐसा हो रहा है सच में? आई डोंट वांट टू से इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, बिकॉज वो भी उनका एक काम है, राइट? इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो वर्किंग, इट इज दे आर जॉनर. बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है, सो फॉर देम इट इज यू नो मोर ऑफ सोशल मीडिया देन ऑफ द टैलेंट. तो ये चीज़ें इंडस्ट्री में चेंज हुई है, बाकी सभी काम कर रहे हैं. एवरी वन इज हैविंग देयर ओन स्ट्रगल्स, एवरी वन इज वर्किंग, एवरी वन इज यू नो ट्राइंग टू प्रूव. तो सभी काम करते हैं यार हम. वी ऑल हैव टू मेक आर ओन, कहते हैं ना, हमारा नाम बनाना है. तो हम सब वही हैं, बस कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंसर्स है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम एक्टर्स हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बट सडनली एवरीथिंग इज जस्ट मर्ज्ड, यू नो. तुम टीवी पे हर जगह एवरीथिंग इज जस्ट मर्ज्ड. तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया लोगों को भी समझाना कि इन्फ्लुएंसर क्या है और एक्टर क्या है, यू नो. दिस इज अ मेजर थिंग. ऑल्सो अदा आपने खतरों तो कर लिया था, बट उसके बाद बिग बॉस के लिए आपको बहुत बार अप्रोच किया गया है, हमें भी पता है, बट आप रेडी नहीं हो, तो मतलब कोई वजह है उसके, या फिर आपके टाइप का है नहीं बिग बॉस? और मेरे टाइप का ऐसे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, यू नो. आई एम नॉट रेडी कि उसके लिए बहुत ज्यादा, यू नो, यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, यू नीड दैट इमोशनल एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ बहुत सारी चीजें होती है यार. यू नीड टू बी रेडी एंड आई एम दैट पर्सन दैट आई विल बी लाइक आई कांट. सो पता नहीं, अभी आई एम नॉट रेडी, बट इंशाल्लाह जब होना होगा तब होगा. ओके, नागिन का अगर आगे और कोई पार्ट आया, कोई सीजन आया, तो क्या अदा उसकी हिस्सा रहेंगी, करना चाहेंगी, आई डोंट नो, यू नो. क्या आप करना चाहोगे?
Why not? I mean, audiences love me and I'm an actor and I'm here for the audience and to entertain them. So agar, you know, it's in Ekta ma'am's hand also now, she decides. But of course, agar mauka mile, to why not? Yeah, why not? They would... ऑल्सो अदा जब आप एक पब्लिक फिगर रहते हैं ना तो लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपको कोई एडवाइस देना रहे आपके फैंस के लिए, क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स हैं ना वो डिप्रेशन जो वर्ड है ना उसे बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं कि मतलब कुछ भी हुआ तो हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, ये वो, ये वर्ड को मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में लिया जा रहा है, तो मतलब जो आपको फॉलो करते हैं जो देख रहे हैं आपको उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप? डिप्रेशन, यस, आई मीन ये मैं भी, आई मीन लाइक आई एम सीइंग इट्स वेरी कॉमन बिकॉज ना लोग सोशल मीडिया को रियलिटी समझने लग गया है और उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बट एवरीबडी थिंक्स दैट दिस पर्सन इज हैप्पियर देन मी, इसका रिलेशन मुझसे बेटर है, उसका ये, सो इट्स ऑलवेज लाइक द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. अब पहले ऐसे नहीं था, वी डिडंट हैव फोन्स और एनीथिंग एंड वी यूज़ टू जस्ट चिल विद फ्रेंड्स, लाइफ डिस्कस करते थे अपनी और हमें लगता था यही हमारी खुशी है और यही हमारी ज़िंदगी है और यही असली खुशी है, राइट? But now, because we have so much information on one phone, I don't know, we feel that probably we are not perfect, I'm not looking good, I'm not looking perfect or whatever. But ye sari cheeze is leading on to depression, and which is why there are so many times when, you know, it, things affect you. I think main usually phone won't band karke, you know, I just disconnect. It's very important to disconnect, then to connect with yourself. आप समझ रहे हो, अगर आप यही सोचते रहते हो कि वो खुश है और वो खुश है और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड यू. बहुत जरूरी होता है अपने साथ भी वक्त गुजारो. कभी आपके लाइफ में ऐसा दौर आया कि आप बहुत अकेले पड़े हो एंड उस वक्त आपने क्या किया है? बहुत अकेले मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ यार, तो ऐसे कुछ नहीं है कि मैं अकेली अकेलापन हुआ एंड ऑल. इनफैक्ट आई लाइक टू ट्रैवल अलोन, आई लाइक टू गो फॉर कॉफीज अलोन, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक लोग ये नहीं समझते, पीपल थिंक दैट यू आर क्रेजी, यू आर गोइंग अलोन, क्या करेगी, क्या कॉफी पीने अकेले जा रही है, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विद एनीबॉडी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक इनसाइड, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है. समटाइम आई जस्ट रन अवे फ्रॉम पीपल, फ्रॉम एवरीवन, जरूरी है. और आपको ये पेपराजी कल्चर कितना पसंद आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? I don't know. I mean like to each its own. I think people like it and I think it is required अभी, you know. तो जरूरी है और वो सबकी अपनी चॉइस है. They like paps, they like paps. You don't like paps. I don't know. I mean like करते हैं. Maybe मैंने भी. I mean it's good to have them around. You're in this field. You cannot say no to paps. I mean definitely not. मैंने ये field चुना है. It is a part and parcel of my my whole field. And I'm very lucky to be a part of this. But as I said, to each its own. कुछ को कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं. So सो मुझे एक चीज़ और भी जाननी थी अदाब से. आज तक आपने, क्योंकि आपके अंदर हर एक वो टैलेंट है, आपको कब कैमरे पे क्या ट्विस्ट करना है आप बहुत इजीली करते हो, एंड आई एम श्योर आपको कई ऐसे रोल्स मिले होंगे जिन्हें आपने रिजेक्ट भी किया हो, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि जब तक आप खुद से एकदम कंफर्टेबल नहीं होते रोल कैरेक्टर के लिए तब तक आप नहीं लेते. कोई ऐसे शो के नाम बताएंगे जो आपने रिजेक्ट किए हो? रिजेक्ट मैं शो का नाम तो नहीं बताऊंगी, बट यस एक शो था जो it was based on supernatural. It was Ichhadari only, but not the snake. It was some other animal, Ichhadari, any other animal, which I did not connect to, and I was not comfortable playing that. So, usko maine reject kiya. Okay, aur maine to apne dimag mein wo guess kar liya, wo kaun sa show hai. Okay. So, lastly, Ada, kya karne wale ho aage, and kya naya aap karna chahte ho? पाइपलाइन में आई मीन जैसे ही कुछ नया आएगा यू गेट टू नो, बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू ओटीटी. ओके, एंड अगर इंशाल्लाह मौका मिले. व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करना है आपको ओटीटी पे? ओटीटी पे आई मीन दे हैव ऑल वेरी नाइस. मुझे तो आपको कॉप्स के रोल में देखना है. कॉप के रोल में देखना है? ओ माय गॉड. ओके, आई वांट टू डू लाइक इवन इफ इट्स टीवी. I would love to do a periodic drama. I would love to do a historic show. I would love to fight with swords and some action.
आई वांट टू डू दैट, आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? सबको यही कहूंगी, थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस. थैंक यू सो मच अदा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप ऐसे ही धमाल मचाते रहो और ऐसे ही हमसे मिलते रहो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंबिका. थैंक यू सो मच.